वेलकम बैक अमेजिंग फैक्ट दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट चैनल पे। मैं आपको बता दूं एक महत्वपूर्ण जानकारी कि आज से लगभग 200 साल पहले, यानी इस समय 2018 चल रहा है, आज से लगभग 200 साल पहले यानी 1818 में इस विश्व में जितने भी जीवित प्राणी थे उनकी औसत आयु मात्र 31 वर्ष थी। ये विज्ञान की ही क्षमताओं एवं कार्यों की देन है कि जो अब आयु बढ़ के 65 वर्ष से 70 वर्ष औसत आयु हो गई है। यह विज्ञान की ही देन है। चलिए आज हम करंट अफेयर के बारे में बात करने वाले हैं। चलिए करंट अफेयर को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आप खुद ही जानकार हैं, अगर मन करे तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो लाइक भी कर सकते हैं। चले पहले वीडियो को स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? प्रश्न नंबर एक था, हाल ही में आयुष्मान भारत कॉल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बेंगलुरु सही है। चलिए प्रश्न नंबर दो देखते हैं। हाल ही में US ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए नोजोमी ओकुहारा, ऑप्शन बी सेरेना विलियम्स, ऑप्शन सी मारिया सारापोवा, ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। तो डी ऑप्शन नाओमी ओसाका सही है। प्रश्न नंबर तीन देखते हैं। एक्सिस बैंक के नए MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए मुकेश बर्णवाल, ऑप्शन बी आशीष चौबे, ऑप्शन सी अमिताभ चौधरी, ऑप्शन डी ऋषभ शर्मा। ऑप्शन सी अमिताभ चौधरी सही है। चलिए प्रश्न नंबर चार देखते हैं। ISSF विश्व चैंपियनशिप में अंकुर मित्तल ने डबल ट्रैप स्पर्धा में कौन सा पदक जीता? इसका ए ऑप्शन है स्वर्ण पदक, बी ऑप्शन रजत पदक, सी ऑप्शन कांस्य पदक, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ए ऑप्शन स्वर्ण पदक सही है। चलिए प्रश्न नंबर पांच देखते हैं। किस मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड पर चौथे विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए प्रकाश जावड़ेकर, ऑप्शन बी चेन्नई। किस मंत्री ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय मान्यता बोर्ड पर चौथे विश्व शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया? इसका ए ऑप्शन है प्रकाश जावड़ेकर, यही सही है, प्रकाश जावड़ेकर जी ने उद्घाटन किया। चलिए प्रश्न नंबर छह देखते हैं। प्रतिष्ठित सरला पुरस्कार 2018 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए जावेद अख्तर, ऑप्शन बी शत्रुघ्ना पांडव, ऑप्शन सी श्रीराम शर्मा, ऑप्शन डी KG बालकृष्णन। ऑप्शन बी शत्रुघ्ना पांडव सही है। प्रश्न नंबर सात देखते हैं। कौन सा मंत्रालय गांधी जी की जयंती पर वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन आयोजित करेगा? ऑप्शन ए रेल मंत्रालय, ऑप्शन बी पर्यटन मंत्रालय, ऑप्शन सी कृषि मंत्रालय, ऑप्शन डी पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। डी ऑप्शन पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय ही वैश्विक स्वच्छता सम्मेलन का आयोजन करेगा गांधी जी की जयंती पर। चलिए प्रश्न नंबर आठ देखते हैं। किस देश ने समुद्री जल की निगरानी के लिए HY-1C उपग्रह लॉन्च किया है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी अमेरिका। ऑप्शन ए चीन सही है। चलिए प्रश्न नंबर नौ देखते हैं। हाल ही में किस राज्य का डाटा शेयरिंग और एक्सेस पोर्टल लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी सिक्किम, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सिक्किम सही है। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। अलीबाबा के सह संस्थापक जैक मा ने कितने वर्ष की आयु में सेवानिवृत्ति होने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 54 वर्ष, ऑप्शन बी 55 वर्ष, ऑप्शन सी 56 वर्ष, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए 54 वर्ष सही है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पैराशूट का हाल ही में परीक्षण किसने किया? मंगल ग्रह पर पहुंचने वाले पैराशूट का हाल ही में परीक्षण किसने किया? ऑप्शन ए नासा, ऑप्शन बी इसरो, ऑप्शन डी ऑप्शन सी DRDO, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए नासा सही है। चलिए प्रश्न नंबर अगला देखते हैं, यानी 12। किस देश ने हाल ही में वीजा रहित प्रवेश की अनुमति प्रदान की है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अमेरिका, ऑप्शन
बी पाकिस्तान सही है। पाकिस्तान ने हाल ही में वीजा रहित यानी बिना वीजा के ही प्रवेश अनुमति दी है अपने देश में, यानी उनके देश में आप बिना वीजा के भी जा सकते हो। चलिए, अब जिन्होंने कल का वीडियो देखा होगा दोस्तों, कल मैंने एक क्विज कल का क्वेश्चन पूछा गया था, एशियाई खेल 2018 में नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता। जिन्होंने सही आंसर दिया उनको मैं बधाई देता हूँ, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक जीता है, यही सही है। चलिए, आज मैं फिर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका आप कमेंट करके जवाब दे सकते हैं। चलिए, प्रश्न आज का प्रश्न सुनिए, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ऑप्शन ए 26 अगस्त, ऑप्शन बी 27 अगस्त, ऑप्शन सी 28 अगस्त, ऑप्शन डी 29 अगस्त। तो आपको कमेंट करके इसका जवाब देना है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है आगामी परीक्षाओं को देखते हुए। धन्यवाद।